हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली किचन गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो, बच्चे होंगे। आज हमारे यहाँ हुई खूब अच्छी बारिश। बारिश इतनी कि मतलब एकदम धरती जो बहुत ज़्यादा गर्म थी वो ठंडी हो गई। काफ़ी जगहों पे पानी दिख रहा है जमा जमा सा। और आज मैं बात करने वाली हूँ रोज प्लांट को कैसे पहचाने कि वो हेल्दी है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये तुलसी का प्लांट दिखा देती हूँ जो कि मैंने लगाया था। और ये देखिए, हरा भरा हो गया है। इसमें मैंने सीजर रखा है। इसके कुछ पत्ते मैं ले जाती हूँ अक्सर चाय में डालने के लिए। और देखिए ये कितने अच्छे से हो गया है ग्रो। गाइस, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि हमारे प्लांट अच्छे नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, या फिर उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में कि आखिर इसमें रोग क्या है, किस तरीके से इसको बचाएं। गाइस, कभी कभी जब तेज़ धूप होती है तो हम प्लांट को प्रून कर देते हैं। अगर ज़्यादा गलत टाइम पर प्रून कर देते हैं तो इसमें डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि प्लांट को सूखते सूखते नीचे तक जाता है और प्लांट अक्सर हमारा सूख जाता है। तो इसे आप जरूर से बचे। गलत टाइम पे कभी भी रोज प्लांट को प्रून न करें। बारिश होने की वजह से देखिए कुछ इस तरीके से मेरे प्लांट हो गया है। बाकी हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है और कंटिन्यू इसमें फ्लावरिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ कम गर्मी पड़ती है या हीट कम होता है, तो लेकिन प्लांट मेरे हेल्दी हैं और अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। दूसरा है कि आपके प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए। मतलब तेज समर है तो भी प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से फर्टिलाइजर दे रहे हैं, हीट में उसको किस तरीके से सेव कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके प्लांट पे ग्रोथ आपको 100% देखने को मिलेगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से आपके प्लांट को नहीं बचा पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और आपका जो प्लांट है उसमें नई ग्रोथ आएगी ही नहीं। आप सोचेंगे कि ज़्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो इनमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। दूसरा है कि इसके पत्ते को देखकर आप पहचान सकते हैं कि नहीं मेरा प्लांट हेल्दी है। किस तरीके से, अगर आपके पत्ते हैं रोज प्लांट के ऊपर से और नीचे से एकदम नीट क्लीन, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट का ग्रोथ ठीक है। इसमें कोई डिजीज वगैरह नहीं है, आपका प्लांट में कोई रोग नहीं लगा है। और कभी कभी प्लांट में कुछ इस तरीके से बड़े बड़े काले से धब्बे पड़ने लगते हैं और वो बाद में सूखने लगते हैं, तो ये एक संकेत होता है कि नहीं इस पे रोग लग गया है। जो कि सभी जो पत्ते होते हैं पहले काले काले बड़े बड़े धब्बे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे पीले में कन्वर्ट हो जाता है आपके प्लांट का सारा पत्ता। तो इस चीज़ से भी आप बचें। और जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्लांट को कम धूप वाली जगह पे रखें और जितने हो सके जितने भी इस तरीके के पत्ते हैं उनको रिमूव कर दें, क्योंकि पत्तों का काम प्लांट को खूबसूरत दिखाना होता है। लेकिन अगर इसमें रोग लग जाए और इसे आप रिमूव करते हैं तो उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि ये जो हमारी कलियाँ होती हैं रोज़ फ्लावर प्लांट की, तेज़ हीट की वजह से या फिर एक डिजीज़ लगता है उसकी वजह से ये थोड़ी सी खुल के बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। इसके सारे जो अंदर से पेटल होते हैं जैसे लगता है जल गई हैं। तो उन सारी चीज़ों का बस एक ही सलूशन है कि अगर आप अपने प्लांट को ग्रीन नेट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो सेडी प्लेस में तो ज़रूर रखिए, या फिर झुंड में रखिए, पौधों के झुंड में रखिए, तो ये ग्रीन नेट से ज़्यादा बेहतर होंगे। क्योंकि ग्रीन नेट भी कभी कभी जो तेज़ धूप होती है उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता है, उसको रोक नहीं पाता है। तो आप जब भी ग्रीन नेट लगाएं तो ज़्यादा जो धूप को रोकता है वो वाला ग्रीन नेट लगाएं, या फिर अपने प्लांट को समूह में रखें, इकट्ठा रखें। ये देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि एक ही है, सारे के सारे इसी तरीके से हैं। अगला जो लक्षण होता है वो है कि कभी कभी जो ब्रांच होती है वो ब्रांच पर आप देखेंगे कि सफ़ेद और काले धब्बे जैसे पड़े होते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। वो भी एक डिजीज़ होता है, तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। पेस्टिसाइड आप एलोवेरा का बना सकते हैं और उसको पहले कॉटन या कोई सा भी सूती का कपड़ा